फेस का देख लो आप कि यहाँ पे कहाँ पे लाइट टोन है, कहाँ पे डार्क टोन है, किस तरीके से हमें पेंसिल का प्रेशर होगा, किस तरीके से हम जो टिश्यू पेपर से हम ब्लेंड करते हैं या फिर हम जितने भी आप पेपर स्टैम्प देखते हो अगर उसका यूज़ करते हो तो कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा कहाँ पे कम करना है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी कि एक आप देख लो कि कोई भी एक एज होगा, ये फेस का कोई भी एक एज होगा, जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ ये मेरा एक एज है फेस का। अब इसको कैसे शेड करना है, तो इसके शेड के टेक्निक है किस तरीके से हम शेड करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना ऐसे कर देते हैं, फिर उसको ऐसे कर देते हैं, हर जगह अलग अलग करते हैं, तो इससे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है अलग अलग तरीके का ऐसे, वहाँ पे क्या होता है ना कि कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, कहीं पे एकदम वाइट का गैप हो जाता है ऐसे, तो वहाँ पे एक जैसा लाइट नहीं रहता है, कितना भी ब्लेंड कर लो कहीं ना कहीं स्पॉट आ ही जाता है। इरेज करोगे तो भी थोड़े हल्के फुल्के फिंगर के जो जो यहाँ पे स्मज हो जाते हैं यहाँ पे, वो भी टिप पे पड़ के वो एक स्पॉट बन जाते हैं। तो यहाँ पे अवॉइड करने के लिए कुछ शेडिंग टेक्निक हैं जो एकदम बेसिक है। जैसे यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमारा मोटो क्या है यहाँ पे, यहाँ से हमें डार्क टू लाइट लेके जाना है, ये जो है डार्क से लाइट की तरफ लेके जाना है। तो ये जो डार्कनेस है इस डार्कनेस को हम कैसे देंगे, तो यहाँ पे एक टेक्निक है। जैसे देखो एक तो ये है कि ये मैंने पेंसिल लिया है 2H है, यहाँ पे H है, अगर किसी के पास इतना नहीं है तो फिर वो HB भी यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे अभी देखो मैं इसको बताऊँगा मैं 4B पेंसिल से, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा और पता चलेगा डार्कनेस। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो थोड़े से इंटरमीडिएट होते हैं, थोड़े प्रोफेशनल होते हैं, तो उनको डार्क टू लाइट लेके जाना होता है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा प्रेशर दिया और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे उसका जो प्रेशर है ना उसको हल्का करते जाएंगे, इसमें आपको गैप नहीं दिखेगा कहीं पे भी, क्योंकि मैं बहुत क्लोज रख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एकदम डार्क से आपको एकदम लाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यही चीज़ अगर बिगनर करे तो कहीं कहीं पे क्या होगा आपको कि कहाँ पे गलत हो जाता है, ये सही है, और गलत कहाँ पे हो जाता है, हम डार्क लेते हैं फिर यहाँ पे लाइट हो जाता है, फिर यहाँ पे डार्क हो जाता है, फिर यहाँ पे लाइट, तो कंट्रोल नहीं रहता है, तो ये जो होगा ये गलत हो जाएगा। और इसके अलावा और भी इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं, जैसे कि लेकिन ये इश्यू को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम इसको हम शेड करेंगे, जैसे पकड़ने का मेरा अभी तरीका जो देख रहे हो इस तरह से करेंगे ना, तो एक पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि खड़ी पेंसिल जितनी भी होती है लाइन आपका एकदम शार्प आता है, और जितना भी आपका थोड़ा आप उसको टिल्ट करोगे ना तो सरफेस ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे करके सरफेस का प्रैक्टिस करेंगे, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो एक टोन का प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे गैप नहीं, और जितने बिगनर्स हैं उनको बेनिफिट इससे ज़्यादा मिलेगा, एक टोन का कर लो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे सेम जो हमें शेड लेके आना है, तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे उसका प्रैक्टिस करने के बाद यहाँ पे एक टोन जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने दे दिया, एक सिंगल टोन। तो अब क्या करना है कि अभी डार्क टू लाइट लाना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 75% यहाँ तक दूसरा एक लेयर बनाएंगे सेम, इसको लाके यहाँ तक छोड़ देना है। अब थर्ड लेयर जो है वो 50% तक शेड आएगा, तो इसको लाके यहाँ तक छोड़ दिया। अब इसके बाद 25% लाके यहाँ तक, तो ये जो शेड था अब दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे, मतलब जैसा हमें चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब अभी इसमें भी है, मैंने सिंगल पेंसिल से लिया, अब क्या करना है मुझे, अगर यही चीज़ अगर और ज़्यादा डिटेल में करना है, प्रोफेशनली करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देख लो जैसे कि H पेंसिल है या 2H पेंसिल है, तो इसको हम क्या करेंगे पहले एक लेयर बना लेंगे इसको, जैसे यहाँ पे बनाया था, तो पहला लेयर, और ये सबसे लाइटेस्ट पेंसिल होता है, 2H हो गया, H हो गया, तो ये सब जो है एकदम लाइटेस्ट पेंसिल हो गया, इसको मैंने पूरा यहाँ तक एक शेड जो है ये मैंने यहाँ तक बना लिया। अब ये हो गया H या 2H हो गया जो भी हमारे पास है, या HB हो गया, अब यहाँ पे मेरे पास है 4B, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा सेकेंड लेयर जो बनाऊँगा मैं इसको बनाऊँगा 4B,
और लाके यहाँ पे छोड़ दिया मैंने। अब यहाँ पे थर्ड यूज़ कर रहा हूँ और वो है 6B। जितना इंटेंसिटी हमें डार्कनेस का चाहिए उतना तक हम बनाएंगे और ये छोड़ देंगे। तो हो गया ना, ये आउटपुट हमको सेम मिला यहाँ पे। तो ये जो सिंगल एक सिंगल पेंसिल से है, हम लोगों ने जितना ये दोनों किया ये सिंगल पेंसिल से किया था, ये यहाँ पे डिटेल आपको और ज़्यादा स्मूथ दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग पेंसिल हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया अलग अलग ग्रेड का, तो ग्रेड का बेनिफिट यहाँ पे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब हाइपर रियलिस्टिक या रियलिस्टिक जब स्केचेस बनाते हैं ना, कुछ भी हो, इनफैक्ट हम लोग जब शेडिंग भी करते हैं ना फ्लावर का, अगर लीफ का, तो वहाँ पे भी ग्रेड सिस्टम अच्छा होता है। अगर आपका कंट्रोल अच्छा आ जाता है तो आप सिंगल पेंसिल से भी कर सकते हो, जैसे 4B एक इंटरमीडिएट पेंसिल है जो कि एक लाइट भी है और डार्क भी रहता है, तो दोनों में 4B ज़्यादा काम करता है। तो अब यहाँ पे स्किन में इसमें सब कुछ आ जाएगा, प्रेशर कितना देना है, ब्लेंडिंग कितना करना है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसमें जो है, इसमें यहाँ पे करते हैं ये वाला, जैसे यहाँ पे अब इसको जो है मैंने बताया था ना कि जैसा स्ट्रक्चर है ना उस तरीके से ज़्यादा शेडिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पकड़ने का स्टाइल है, मैं ज़्यादा कुछ ऐसा मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा हैंड मूव नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैंने हल्का सा रखा है यहाँ पे, और इसको मैंने पेपर को भी मूव नहीं करना है। आप एक सिंगल पेंसिल को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका, इसको अगर हम चाहें। कई सारे आर्टिस्ट को आपने देखा होगा यूट्यूब पे ट्यूटोरियल में आपने देखा होगा कि कुछ वो लोग ना अपना ऐसे ऐसे कर लेते हैं, फिर वो चाहें तो इधर से भी अपना इसको ऐसे कर लेते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल है, अटून जो है ना एक जैसा आपको दिखेगा। ये ब्लेंड करेंगे तो कहीं से भी इशू नहीं है, अगर आपको अगर वैसा करने लगोगे ना तो कहीं डार्क हो जाएगा, कहीं ऐसे लाइट हो जाएगा, तो वो इश्यू आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो आप पूछ सकते हो। तो ये जो है मैंने क्या किया, एक स्किन का जो टोन है मुझे लाइट रखना है, तो मैंने एक टोन जो है ये कंप्लीट यहाँ पे रख दिया, ये अब ये हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हमको करना है ब्लेंडिंग। अगर हम ब्लेंड नहीं करेंगे ना तो एक ही टोन जाता रहेगा, और जब हम जब शेड डालते जाएंगे ना तो एक 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 के ऊपर एक चला जाएगा, लेकिन ब्लेंडिंग करने से ना हमें पता चलेगा कि कितना ज़्यादा दूर तक हमको लेके जाना है शेड को और डार्कनेस को। टिश्यू पेपर फोल्ड कर लो। अभी यहाँ पे मैं कोन नहीं बनाने वाला, कोन जनरली मैं जो कोन बनाता हूँ, यहाँ पे सिंगल फ्लैट में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, मैं यहाँ से ना वाइट जा रहा है, यहाँ पे मैं जो ब्राइट रखना है ना, तो स्टार्ट मैं यहीं से करूँगा। अगर मैं यहाँ से करूँगा ना तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रेफाइट लग जाएगा जो कि कैरी होगा यहाँ तक, और यहाँ पे जो डार्कनेस है ना ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमको जहाँ पे ज़्यादा ब्राइट रखना है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं सर्कुलर मोशन में कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन में ना खास करके स्किन टोन वगैरह में ना ये ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो एकदम सिंपल, कोई प्रेशर मैंने ज़्यादा नहीं दिया, एक सिंपल प्रेशर जो होता है ना वो यहाँ पे, अभी जो इनिशियल लेयर है ना पहला लेयर है, तो एकदम सिंपल एक पहला जो प्रेशर होता है ना वो मैंने यहाँ पे दे दिया, एकदम स्मूथ। लोग कहते हैं ना कि कितना आपका जो स्किन टोन है जो आपने बनाया है वो कितना स्मूथ कैसे आ गया, तो ज़्यादा कुछ नहीं, टिश्यू पेपर जो है उसको मैंने यहाँ पे कर दिया और जैसे जैसे किनारे गया वो थोड़ा फेड हो गया है ये, तो कहीं पे भी आपको यहाँ पे लाइन नहीं दिखेगा। ये हो गया, अब हो गया ये स्मूथ। अब यहाँ पे आगे क्या करना है, 2B पेंसिल हो तो 2B यूज़ कर सकते हो, मैं डायरेक्ट 4B यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 4B और 6B। तो यहाँ पे अभी वही मैंने एंगल वहाँ से फिर से ले रहा हूँ मैं शेडिंग का, ये बाहर निकल जाएगा ना थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में हम लोग इरेज कर लेंगे, क्योंकि हमें आउटलाइन पता है ना कि आउटलाइन कहाँ पे है। तो ये एजेस का बता रहा हूँ मैं, तो ये एक जो टोन है वो हमारा कितने दूर तक जाने वाला है वो हम लोगों ने यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे दे दिए। वही टिश्यू पेपर है उसी को यूज कर लेना है, सेम प्रेशर दे रहा हूं मैं, अलग से कुछ भी मैंने ज्यादा या कम वो प्रेशर मैंने यूज नहीं किया। हाँ, एजेस पे थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा इसको आपको स्मूथ, किस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने शेड किया ना उस तरीके से, और फिंगर नहीं रखना इस पे। अगर चाहे ना जब हम लोग ये सब करते हैं ना तो या फिर पेपर या कुछ भी आप जो है ना एक्स्ट्रा आप रख लो,
जिससे क्या होगा ना कि आपका हैंड में लगेगा नहीं, वो कैरी नहीं होगा दूसरी जगह, हैंड ऑयली होता है। अगर मान लो कि किसका क्या कंडीशन है, कहाँ पे है वो, तो क्या होगा ना कि ऑयल कभी किसी का पड़ जाता है तो स्पॉट पड़ जाता है, जितना भी रेज करो नहीं जाएगा, जितना भी डार्क करोगे वो और ज़्यादा डार्क होता जाएगा। सॉरी। तो इसको हम लोगों ने कर लिया ब्लेंड। अब जो है यहाँ पे करना है 6B, तो एजेस पे ये मैं बस यहां तक ही रखूंगा मैं ये टिश्यू पेपर, वही है और ये जब हो जाएगा ना तो हल्का सा इसको किनारे की तरफ कैरी कर दो। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक आपको एक जो टोन होता है ना वो चला जाएगा। ये एक हो गया। और दूसरा एक होता है कैसे कि जैसे डायनामिक्स, अब यहाँ पे डायनामिक्स ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो डार्क है और ये लाइट है, एजेस है, क्योंकि लाइट का कंडीशन मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइट कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना रिम लाइट जैसा लाइट है और यहाँ पे आपको शेड है। तो इसको क्या करेंगे, एक तो ये वाला हम लोगों ने टोन बना लिया। अब इसका जो मान लो कि इसको सिंपल इरेजर है जो एक हमें क्या करना पड़ेगा, एक एज देना है ना, तो हम एज ऐसे दे सकते हैं, शेड जाएगा, शेड जाने दो। और इसके बाद एक एक करके ये जो आपको जो है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, शार्पनेस भी आ गई है। अब दूसरा क्या होता है ना कि इस पे हमें क्या करना है कि एक एज है फेस का, इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अब ये जो इफेक्ट है ना वो हमको लेके आना है। तो टूल्स वगैरह सब सिंपल वाले हैं, कोई अलग से मैंने इसे टूल नहीं लिया है। अब यहाँ पे यूज़ करना है मुझे 4B, डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ। मैंने जैसे बनाया है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब क्या किया यहाँ पे मैंने, इसको आप चाहो तो हल्के पेंसिल से पहले आप शेड दे दो, जैसे H है या 2H है। तो अभी मैं कंप्लीट पे एक शेड दे दे रहा हूँ मैं, यहाँ तक लाना है। और जितना दूर रखोगे ना, और इसको पेंसिल को जितना नज़दीक रखोगे उतना डार्कनेस थोड़ी बढ़ती है, और जितना दूर रखोगे ना तो बैलेंस जो होता है ना आपको यहाँ पे कंट्रोल होता है, यहाँ पे कम होने लगता है, तो यहाँ पे लाइट ज़्यादा हो जाता है। तो जितना दूर पकड़ेंगे आपको लाइट जो पेंसिल है ना और ज़्यादा लाइट होता है ये। तो ये मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर दिया और इमीडिएट इसको ब्लेंड कर देना है। तो ब्लेंड मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये यूज़ हो चुका है ना, तो डार्कनेस आपकी आ जाएगी। हाँ, कभी आपको डार्कनेस ज़्यादा कहीं पे करना है ना तो इस स्पॉट का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पलट के अभी मैं इसको, वही बोला ना कि जहाँ पे आपको स्किन है, जहाँ पे ब्राइट है, लाइट हिट भी करी ना, तो वहाँ पे भी टेक्सचर होता है, इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। तो एक पहला जो लेयर है जैसे हम लोगों ने इसमें भी बनाया था वो हम लोगों ने बना लिया। अब सेकेंड लेयर जो होगा, अब क्या करना है इसको, या तो आप क्या कर सकते हो ये जो डार्कनेस है ना उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हो। कहाँ पे, अगर एच पेंसिल है ना उसको ही यूज़ करूँगा मैं यहाँ तक, जितना डिटेल करना है ना इसको यूज़ करके। कुछ इस तरीके से मैंने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे बारी आ जाती है 4B, 4B की शेड भी कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डार्कनेस है और यहाँ पे छोड़ दूंगा मैं। और यहाँ पे भी लाइट रखना है। और इस पे ना हम लोग ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, हल्के से सॉफ्ट ब्रश। तो यहाँ पे अभी जो है हमको एक मिल गया। अब इसमें ये 3 लेयर तो ऑलरेडी हो चुके हैं, अब इसमें चाहे तो अब इससे ज़्यादा डार्क कहाँ पे आएगा, और ज़्यादा कहीं पे डार्क किसी स्पॉट में रखना, तो बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड पे, ज़्यादा डार्कनेस लाइन नहीं दिखना चाहिए।
ये मैंने एक पर्टिकुलर जगह पे ही अगर हमें डार्क चाहिए तो वो डार्क मैंने यहाँ पे करके इसको हल्का सा आप ऐसे कर दो, और हमारा जो अभी जो स्किन है ना, ये जो जैसे है, अब इससे ज़्यादा अगर आप कहीं कहीं ब्राइट करना होगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसको हल्के से इरेजर से थोड़ा सा इरेज करके इसको ज़्यादा हाईलाइट ऐसे दे देंगे, तो ये हो जाएगा सेम ऐसा। अब इसके अलावा और जब फोकस में कब आएगा, जब इसको हम कर देंगे बैकग्राउंड को और ज़्यादा डार्क, क्योंकि डार्क होगा तभी वो फोकस जो है ना ये इस पर आएगा। तो ये वाला है और ये तो हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। ये और इसको यहां पे शार्प, बैकग्राउंड डार्क करना हो तो हम 6B, 8B, 10B का यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा क्या यूज कर सकते हो, आपके पास कटर हो तो कटर से ना आप इसको हल्का सा, कटर से ना आप हल्के से यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आपको क्या होगा ना पाउडर जनरेट होगा, या फिर पाउडर भी मिलते हैं चारकोल के भी और इसके भी, तो उसको आप पाउडर ज़्यादा यूज़ करोगे ना तो वो बेनिफिट होता है, क्योंकि वो स्मूद आता है, आपको बहुत ज़्यादा पेंसिल भी घिसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक आपको जो है ना वो रिज़ल्ट आ जाता है, तो उसका भी मैं बता दूंगा मैं आपको। जैसे अभी कोई टूल तो नहीं दिख रहा है लेकिन मैं आपको इससे बताता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे अभी कटर तो नहीं है लेकिन इससे मैं घिस के आपको बताता हूँ मैं, लेकिन आपने जैसे कि यहाँ पे थिक गिर गया ना तो यहाँ पे ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो उसको आपको ब्लेंड करना पड़ेगा उस हिसाब से, लेकिन आपको स्पॉट पे वहाँ पे ही गिराना ज़्यादा पड़ेगा जहाँ पे आपको अभी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये पेंसिल तो यूज़ करना ही पड़ेगा, आपको जैसे कॉर्नर है ना एजेस पे आपको यहाँ पे करना है, बड़ा स्पेस है ना ये जो आप एरिया दिख रहे हो ना इतना बड़ा, ये एरिया को आपको शार्प करना है बिल्कुल किससे, पेंसिल से। अब ये बड़े एरिया में आपको पेंसिल घिसते नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे इसको पाउडर को यूज़ करेंगे, और पाउडर से ऐसा यूज़ करना है कि ब्लैक हो जाए, या फिर आप दूसरा क्या यूज़ कर सकते हो, चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जनरली क्या होता है एकदम डार्क करना है ना तो स्केच पेन यूज़ कर लो, ब्लैक स्केच पेन जो होता है, और फिर इस पाउडर के ऊपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो डार्क होगा। जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा मुझे डार्क करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टिश्यू पेपर से करेंगे तो ये अपने आप में ऑब्जॉर्व करेगा, ब्रश का यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ पे ब्रश में भी थोड़ा मोटे ब्रश जो होगा, लेकिन ये आपको ट्रीटमेंट तब तक करता रहना जब तक वो डार्क ना हो जाए, और ग्रेफाइट में भी ना एकदम डार्क नहीं होता, तो अगर वही अगर आप चारकोल यूज़ कर लोगे ना तो वो डार्क हो जाएगा। इसको मैंने किया ना, अब इसको ही मैं अगर मैं ब्रश यूज़ करूँ ना तो उसकी जो डार्कनेस होगी ना उससे ज़्यादा होगी, और ये ना ऑब्जर्व नहीं करता ना, और इसकी ग्रेफाइट यहाँ पे रहती है, तो देख रहे हो इसकी जो डार्कनेस है स्मूथनेस है ना वो सब रहती है, तो जैसे जैसे पाउडर गिरेगा ना उसको यूज़ कर करके आप इसको आगे कैरी करते जाओ। ये कितना डार्क हो गया, और ज़्यादा अगर मैं पाउडर यूज़ करूँ तो उसको मैं कैरी करूँगा और ज़्यादा। देखिए वो यूज़ करते करते आ जाता है, क्योंकि अभी क्या है ना कि हम जब स्कूटर सीखते हैं ना स्कूटी सीखते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि हमें जो पकड़ना है मतलब तो कितना हार्ड पकड़ना है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग स्कूटी आगे सीखने लगते हैं और हम यूज़ टू हो जाते हैं ना तो हम बिल्कुल ही सॉफ्ट पकड़ते हैं, पकड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वही कंट्रोल जो होता है ना आपका ब्रश का, तो ब्रश का आप सबसे पहले ना हल्का रखोगे, हल्का जब यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ कितना डार्क आ रहा है, अगर आपको उससे ज़्यादा थोड़ा डार्क करना है तो मैंने क्या कि ना रिपीट किया उसको तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे ना वो डार्क होने लगेगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने ना ज़्यादा घिस दिया है ना ज़्यादा ज़ोर लगाया है तो क्या गलत हुआ है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, गलत करोगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, तो वो सेल्फ जो कहते हैं ना कि खुद से सीखना,
तो वो वहाँ पे भी गलतियाँ जितना करोगे उतना सीखोगे, जैसे ये सब चीज़ें हैं। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ मैं, तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे डार्क ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा, पिछली बार मैंने गलत किया था, अब अगली बार जब करूँगा मैं वो सही होगा, जैसे ये। तो यहाँ पे आपको इवेंट जो होता है ना, वो सब जो टोन होगा ना वो आपको मिलेगा ऐसे करके। तो वो गलत करोगे तभी, एक तो क्या होता है ना कि दूसरे गलत करते हैं ना तो उसको देख के सीखते हैं, एक तो क्या होता है खुद से गलत करते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है कि हाँ भाई ये मैंने किया था, किसी को बताने के लिए भी सही रहता है कि हाँ मैंने ये गलत किया था, लेकिन गलत किया था, अब मुझे करना है जो सही करना है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और ये करने के बाद, नहीं मैंने वाइट जो मैंने किया है ना इरेज़ किया है, अब इरेज़ करने के बाद ना आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रश ज़रूर रखना पड़ेगा, जैसे ये सब है, आप इसको ना ऊपर से ना थोड़ा दो तीन बार हल्के प्रेशर से इसको यूज़ कर लो, कि एक जो एकदम डार्क जो होता है एकदम डार्क नहीं रहेगा, और ब्राइट जो होता है एकदम ब्राइट नहीं रहेगा, तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और ज़्यादा इसे स्मूथ रखना है तो थोड़ा सा ना, जैसे कि मेरा ग्रेफाइट लगा हुआ है ना, तो इसको हल्का सा मैं इसको वापस से करूँगा मैं यहाँ पे। तो ये जो एक टोन होता है ना वो एकदम ब्राइट था ना, वो अभी कैसे हो गया, सटल हो गया है, इसको ओवरऑल मैंने यूज़ कर लिया, ये हो गया, अब थोड़ा और ज़्यादा स्मूथ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मुझे डार्क करना पड़ेगा और, तो मैं यहाँ वहीं पे करूँगा जहाँ पे मुझे यूज़ करना है, जैसे यहाँ तक मुझे है डार्क करना है, इतने दूर पे ही मुझे डार्क करना है। ये स्मूथ स्किन के लिए है, और कहीं पे भी ना एजेस नहीं दिखने चाहिए, जैसे ये मैंने किया ना, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि यहाँ पे लाइन दिख रही है, ऐसा ये ऐसा लाइन नहीं दिखना चाहिए। फिर बाद में हल्का सा इसको आउटलाइन जो है उसको हम हल्का सा आउटलाइन बना लेंगे, आउटलाइन बनाने के बाद फिर इसको वापस से ऐसे कर लेना है, तो ये जो स्किन है ना वो आ जाएगा। अब क्या होता है कि एक जो ओल्ड एज का तो मैं बता चुका हूँ पहले, अब इसमें ना जैसे इसके जो इफ़ेक्ट्स है ना यहाँ पे वो डालने होंगे, तो वो डालने के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, हम लोग यूज़ कर सकते हैं वाइट जेल पेन, कई सारे वाइट जेल पेन है, 10 है, कभी कभी वो किसी से यूज़ भी नहीं आता। कंप्लेन लोगों का सबसे ज़्यादा क्या होता है कि ये ग्रेफाइट पे चलता ही नहीं है, इसको जब हम यूज़ करते हैं तो वो आता ही नहीं है। तो ये अब पॉइंट ये 5 भी है, 10 भी है, 8 भी है, तो मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर 8। तो 8 से क्या बेनिफिट होता है, अब कभी डॉट करोगे तो ये चल ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप इसको, अभी क्या ना हम वीडियो बनाते हैं ना तो ये सब चीज़ें एडिट में चली जाती हैं, इसको बताया नहीं जाता है कि हाँ भाई मेरे से भी नहीं हो रहा ये, तो हम दिखाते वही हैं जो हमसे हो पा रहा है, जो चीज़ें सही से कैमरे में आ रही हैं। तो यहाँ पे पहले यूज़ कर लूँगा मैं, और इसके बाद हल्का सा जहाँ जहाँ पे ज़्यादा देना है, और ये सब स्पीड में आती है ना चीज़ें, वीडियो में दिखती है ना तो पता नहीं चलता है, लगता है कि आर्टिस्ट ने ना बहुत कम टाइम में कर लिया है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। तो इसको वहाँ पे जहाँ पे एकदम स्पेकुलर है, एकदम हाईलाइट है, ये मेटल का भी हो सकता है ये वाला, और जब ये वाला जब डॉट बनाते हैं ना, तो डॉट बनाने के साथ साथ ना ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वाइट ही बनाते हैं, थोड़े थोड़े ना डार्क भी अंदर डालते हैं, डार्क डालेंगे ना तभी वो कॉन्ट्रास्ट आएगा डार्क और लाइट का। और जितना मैंने अभी तक डार्क यूज़ किया है ना ये स्किन पे, उससे और ज़्यादा डबल डार्क करना पड़ेगा, तभी वो इफ़ेक्ट जो है ना उसका वो नज़र आएगा। तो इसको, और चाहोगे तो इसको 10 का भी कहीं कहीं पे नोज़ पे या फिर वो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे मैं क्योंकि इसके इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ना, तो उसको मैं ऐसे ज़्यादा दे सकता हूँ मैं, तो ये हाईलाइट ज़्यादा हो गया, और फिर 8 को ही, और ये बीच बीच में ना चलना बंद हो जाए क्योंकि ग्रेफाइट आ जाता है, तो फिर से इसको इस तरीके से निकाल के, और ये बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड से, अगर इसको मैं ऐसे यूज़ करूँगा ना
नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा, सबको ऐसा लगता है ना कि ये तो मेरे पे काम नहीं कर रहा है, मेरे पेपर पे कुछ प्रॉब्लम है या पेंसिल में प्रॉब्लम है, तो इसको अभी कैसे यूज़ करना है, एकदम धीरे से देख रहे हो ना, ये यहाँ पे आया, इसको हेयर में ज़्यादा इश्यू होता है सबसे ज़्यादा, कि हेयर जब बनाते हैं ना तो इसको एकदम हल्के से जैसे जैसे कर्व देना है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ ये तो नहीं काम कर रहा है, ये काम ही नहीं कर रहा है, इसको कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये शायद डुप्लीकेट दे दिया है, तो इसको ऐसा नहीं होता है, इसको बिल्कुल ही सॉफ्ट हैंड से एक एक हेयर जो है इस तरीके से वो आ जाएगा यूज़, वैसे ही इसको हर जगह जितना रियलिस्टिक वर्क है उतना ज़्यादा हम लोग को और ज़्यादा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे किनारे जा रहा है ना तो मैं स्पेसिंग दे रहा हूँ, मैं ये फैलता जा रहा है, ये क्या होता है ना कभी कभी फेस जो होता है ना ये 3/4 होता है, तो यहाँ पे ये मुड़ा हुआ है, ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये फ्रंट सरफेस है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिखता है, यहाँ पे हम लोग को कम कम देना है, एकदम क्लोज क्लोज देना है, और जैसे जैसे फ्रंट में आने लगता है इसका स्पेसिंग ना थोड़ा बढ़ जाता है, ये हो गया। और ये करने के बाद ना थोड़े थोड़े से डॉट्स हमें देने होते, जैसे 6B है या 4B है ना, तो हल्के हल्के बीच में, अब चाहोगे तो एक एक को कर सकते हो ऐसे, ये उसके किनारे किनारे, या फिर आप ऐसे डायरेक्ट दे दो, और ये थोड़ा सा टाइम देंगे सूखने के लिए, और ये जब सूख जाता है ना और यहाँ पे फ्रंट में ना हल्का रहेगा, तो इसको अब क्या करेंगे, इसमें पहले टिश्यू पेपर नहीं लगाना है, पहले हम लोग को यूज़ करना है ब्रश। अब ब्रश यूज़ करेंगे तो क्या होगा ना, वाइट जो है ना वो ब्लेंड हो जाएगा, तो जितना दूर जितना हमें रखना है ना, हाईलाइट तो अभी ज़्यादा दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा, तो इसको हम इसको कर देंगे ब्लेंड। अब ये पोर्शन पे अगर ज़्यादा ब्लेंड रखना है तो ब्लेंड कर दिया मैंने, ये कुछ जो है ना इफेक्ट जो होता है ना ये वाला आ जाएगा, अब ऐसे कितना ब्लेंड रखना है कितना ये करना है, अगर कहीं हल्का हल्का सा अगर देना भी है ना तो हल्के से, बाद में हम इसको अलग से जेल पेन यूज़ ना करके हम डायरेक्ट इरेजर से इसको हल्का हल्का दे सकते हैं। तो इसमें भी प्रेशर है, इसमें थोड़ा प्रेशर देना ही पड़ता है क्योंकि ये इसमें भी जमा हो जाता है ना फिर ग्रेफाइट या चारकोल, तो वो दिक्कत होती है। तो इसमें प्रेशर का कोई कन्फ्यूजन है कि प्रेशर कहाँ पे देना है कैसे देना है, क्योंकि मैंने प्रेशर का पहले ये कवर किया मैंने कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है और टिश्यू पेपर से कैसे करना है। टिश्यू पेपर से हमें एकदम स्टैटिक रखना है, मतलब कि एक जैसा कांस्टेंट ही हमें देना है, ग्रेडिंग में अगर हम लोग कर रहे हैं तो। और इसमें कुछ कन्फ्यूजन है किसी तरह का, जैसे कि किस में क्या कन्फ्यूजन होगा तो मैं उसमें बताता हूँ, मैं किसी को कुछ, हाँ रेफरेंस को जब देख के ड्रॉ करते हैं ना, तो जैसे हाँ हाँ लाइट रह गया, पता है क्यों, क्योंकि उसके बाद हम लोग आई नोज लिप्स ईयर्स बनाते हैं, हेयर बनाते हैं, तो उसके बाद में ना फिर क्या होता है कि जब हम बना लेते हैं तो हमें लगता है कि हाँ अभी लाइट रह गया है कहीं पे, हर जगह आईज जो है ना स्मज हो गए हैं, अभी यहाँ पे भी कई लोगों के हाथ में गया है ना तो स्मज हो गया है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फिर बाद में एक फेयरवर्क करना पड़ेगा लास्ट में, फाइनल टच जो क्या होता है कि अब इसके जो सबसे हाईलाइट पार्ट होता है, जैसे ये मुझे डार्क रखना है एकदम, यहाँ पे जो है ना ये डार्क रखना है, और कहाँ पे ये जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा कब, जब ये जो डार्कनेस होगी यहाँ पे जो है हेयर का, एक एक हेयर लोग कहते हैं ना कि वो दिखाना है वो कैसे दिखेगा, ये कुछ ऐसे, ये पोर्शन हो गया, ये डार्कनेस ज़्यादा होनी चाहिए, डेप्थ है, डेप्थ दिखेगा नहीं तब तक वो मज़ा नहीं आएगा वो, ये सब है, और ये ज़्यादा और डार्क होनी चाहिए,
ये सबको फिर से वापस से हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे और इसको और ज़्यादा डार्क करेंगे। कहीं कहीं पे स्पेसिंग रह गई है ना, तो ऑटोमेटिक वो सब जो है वो आ जाएगा, वो डार्कनेस तो हम रेफरेंस रहेगा ना तो और अच्छा होता है और उसे मैच हो ही जाता है। जैसे ये सब है, ये जो स्पॉट्स हैं, एक टाइम ऐसा आता है ना हम लोग रेफरेंस फिर साइड में रख देते हैं, मतलब कि हो गया रेफरेंस का जो काम तक हो गया, अब मेरे मन का भी थोड़ा होना चाहिए। तो फिर हम लोग कितना डार्क रखना है कितना लाइट रखना है, तो हमेशा 100% मैच तो नहीं करना है, हाँ लेकिन हाँ कोशिश करना है कि वहाँ तक हम पहुँच जाएँ। और पहुँचने के बाद फिर हमको उससे आगे निकलना होता है। जैसे मैंने ये अलग कुछ किया, यहाँ पे हेयर में कुछ अलग किया, रेफरेंस से अलग है, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। फिर फाइनल टच, वही मैं बताया ना आपको कि आपने जैसे बताया ना कि कितना फाइनल, जैसे ये डार्कनेस ज़्यादा होनी चाहिए, ये ब्राइट होनी चाहिए, ये जब तक डार्कनेस नहीं होगी ना तो ये पता नहीं चलेगा कि ये ऊपर का है। ये ऊपर का दिखाने के लिए ना नीचे वाले को और ज़्यादा डार्क करना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर ये डार्क करके स्पॉट एकदम यहाँ तक नहीं लाना है, एकदम यहाँ तक हल्का ला के छोड़ देना है, क्योंकि इसको अगला जो होगा हमें किससे करना है, मैकेनिकल पेंसिल से। मैकेनिकल पेंसिल से ना एक एक हेयर फिर हम बनाएंगे, जैसे ये है, ये हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से, क्योंकि इसके लाइंस जो होते हैं ना, ये लाइंस ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा लाइन देने के लिए। फेस पे अगर कुछ है, ये बिखरे हुए, ये तब वो नेचुरल लुक आता है। जैसे ये बाद में फाइनल टच और देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, डार्कनेस होती है, ये डार्क है, नीचे वाला डार्क है, ये हाईलाइट सिर्फ यहाँ पे क्योंकि लाइट यहाँ पे पड़ रही है तो उसको डार्क किया है, मैंने यहाँ पे डार्क किया है, ये सब स्पॉट जो है ये डार्क है, ये सब डार्क है, तभी वो अंदर का पता चल रहा है कि हाँ वो डार्कनेस जो है। और ये सब करने के बाद कहीं कहीं पे हम लोग जो वाइट चारकोल पेंसिल होता है ना, तो फिर हम लोग उसका हल्का हल्का सा यूज़ करते हैं। अगर मैंने जो इंडेंटिंग टेक्निक यूज़ किया ना, उसके कारण ये पूरे एकदम लाइंस अच्छे दिख रहे हैं। अगर नहीं किया मैंने, तो फिर वहाँ पे हम लोग को हल्का हल्का यूज़ करना पड़ता है वाइट जेल, वाइट जो चारकोल है ना, या फिर आप वाइट जो कलर है वो आप यूज़ कर सकते हो इसको हल्का, लेकिन वो सॉफ्ट हैंड से। अगर ज़्यादा स्पीड में करोगे ना वो होगा ही नहीं, फिर एकदम वैसा ही होगा जैसे वाइट जेल पेन का हुआ था। ठीक है, अभी रियलिस्टिक में जो शेडिंग है, जैसे दीपक जी अभी कर रहे हैं, जैसे अभी कई सारे लोग जो है ना, उनको अपना अपना जो वर्क है रियलिस्टिक में जा रहा है, तो स्किन अभी स्मूथ है तो उसमें थोड़ा रस्टिक आना है, तो आकांक्षा जी ऐसे कर रही हैं, तो वो उस तरीके से आप लोग फिर आपको उसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। जैसे कि आप हर एक एज ग्रुप का, जैसे है बच्चे में कितना स्मूथ होता है, बड़ों में भी थोड़ा स्मूथ होता है, लेकिन हल्के से रिंकल्स वगैरह जो होते हैं ना वो आते हैं, बड़े में तो और ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसको हम लोग फिर जो टिश्यू पेपर का जो स्मूथनेस होता है ना, फिर हम लोग उसको क्या करते हैं फिर, कि जो हम लोगों ने एक फ्लैट जो ऐसे स्मूथ किया था ना, वो फ्लैट नहीं होके फिर कैसे आ जाता है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ना, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आ जाता है। तो ये ऐसे आ जाने से क्या होता है ना, कि हम जब ऐसे करते हैं ना तो हल्के हल्के से एकदम स्मूथ नहीं रहता है, हल्के हल्के से ना लाइंस कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होते हैं, तो स्किन इफेक्ट वो जो होता है ना वो हमें आने लगता है, ऐसे कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। ये हल्के हल्के गोल दिख रहे हैं ना सर्कुलर फॉर्म में, तो वो ऑटोमेटिक एक स्किन का इफेक्ट आने लगता है हम लोग को। ये वाला हो गया, अब ये इतना प्रेशर दिया है तो इसको फिर वापस से दूसरी जगह करना है, ये अब इसमें ना स्किन का जो इफेक्ट है ना वो हमें इफेक्ट आने लगेगा, क्योंकि पेपर ना थोड़ा सा ये है कह सकते हो ग्रेनी है, तो मैं ज़्यादातर जो ब्लेंडिंग करता हूँ ना तो ये कुछ ऐसे ही करता हूँ मैं सर्कुलर फॉर्म में, और कुछ इस तरीके से, ये तो इसमें हल्के हल्के से स्पॉट भी दिखेगा आपको, तो ये
एक अच्छा एक स्किन टोन जो होता है ना वो आता है। एक ये भी स्किन टोन है अपना, ये एकदम स्मूथ है, यहाँ पे थोड़ा सा कैसे रफ़ है, जैसे ये सब थोड़े रफ़ होते हैं, और रफ़ बनाना था मुझे लेकिन मैंने उतना टाइम नहीं दिया है, तो और ज़्यादा रफ़ बनाना हो तो इसको हम इसको कुछ सर्कुलर फॉर्म में करेंगे ना, तो और ज़्यादा इफ़ेक्ट अच्छे से आएगा यहाँ पे इधर आइज़ के नीचे, तो वो इफ़ेक्ट हम लेके आ सकते हैं उसमें। कहाँ कहाँ पे देना है, इसका प्रेशर एकदम बराबर रखना है, ज़्यादा नहीं करना, भले ही रिपीट कर लो, जहाँ पे डार्कनेस चाहिए ना तो वहाँ पे हम रिपीट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको मैंने एक जैसा दिया, यहाँ पे एक जैसा ही टोन है। अब यहाँ पे मुझे ज़्यादा डार्क रखना है तो यहाँ पे मैं रिपीट कर लूँगा मैं दो बार, तो ऑटोमेटिक मुझे ना यहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा हो गई और यहाँ पे कम मिल रहा है। ठीक है, तो स्किन टोन का, डार्कनेस का, लाइट का अभी कोई कन्फ्यूजन है, प्रेशर कितना देना है, और ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग में कहता हूँ ना हमेशा कि ब्लेंडिंग वापस से अच्छी होनी चाहिए, कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है वो नहीं होना चाहिए, वो एकदम बराबर होना चाहिए। बराबर होगी ना तभी वो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में भी रहेगा और एक कुछ ना प्रोफेशनलिज्म आने लगेगा वो चीज़ें। ये तो हो गई ब्लेंडिंग वाला, और एक होता है एकदम लाइट। लाइट कैसे, जब हम डार्क, जैसे ये है, मैंने इसका जब आउटलाइन किया था ना तो वो कुछ वैसे किया था जैसे लाइंस में, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा वार्म अप की प्रैक्टिस ना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी अगर हम करते हैं ना तो उसके पहले थोड़ा लाइंस की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ऐसे, तो ऑटोमेटिक जब हम फाइनल जब वर्क करते हैं ना तो उस पर हमें अच्छे से आने लगता है। और बीच बीच का सर मैकेनिकल पेंसिल में हाईग्रेड की पेंसिल आती है क्या? उसमें अलग अलग ग्रेड के होते हैं, जैसे ये मेरा जो है ना ये मैंने लिया 0.3, ये 0.3 ही है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना 0.3 का है, 0.5 है, 0.7 है, ये पर्टिकुलर उसी के आते हैं। कुछ कुछ जो होते हैं ना कि जिसमें आप अपने लिड अपने हिसाब से बदल सकते हो, मैंने कुछ देखा है 0.5 और 0.7 है मेरे पास, इससे ठीक आता है? इससे भी ठीक आता है, ये मैंने ज़्यादा डिटेल के लिए लिया है। ज़्यादा डिटेल मतलब कि अगर इसके जो जैसे ये है, अगर ये है आपको 0.5 है तो इसमें जो थिकनेस होगी ना, आप देखो ये जो मैंने लाइंस बनाए ना, ये लाइंस बनाए, अब इसमें देखो दोनों में फ़र्क दिख रहा है ना, ये कितना हल्के से एकदम सॉफ्ट है। आप और ज़्यादा डिटेल कुछ करना चाहते हो जैसे कि कैसे ये कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम हैचिंग वगैरह करते हैं, नहीं तो क्रॉस हैचिंग वगैरह एकदम नज़दीक से मैं करूँगा ना तो ये ऐसे मिक्स हो जाता है। अगर यही चीज़ मैं इससे करूँगा, मैं इसका ये ख़त्म हो गया तो अगर मैं इसको करूं मैं, तो ये आप देख रहे हो ये एकदम जो जाली जैसा जो है ना वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। अब 0.7 करूँगा मैं तो और कितना ज़्यादा डार्कनेस होगी, देखो अगर वो 7 करूँ तो 7 और ज़्यादा होगा। तो वही है, इसमें कंट्रोल्स ज़्यादा मिलते हैं, 0.2 के भी आते हैं, तो 0.3 0.5 जो है ना स्टैंडर्ड हैं, जैसे इसके रिफिल भी आते हैं, और ये जो है ये 2B है ये वाला, तो इसमें 0.3 में 0.4 भी आ गए। इतने ज़्यादा अभी ये जो एक्सपेंसिव होते हैं ये अभी 2000 वगैरह में आ जाते हैं, 1000 में भी आते हैं, तो इसमें एक तो इनकी ग्रिपिंग अच्छी रहती है और दूसरा जो ये, अब ऐसा भी नहीं है कि ये लॉन्ग लास्ट होता है, घिसता ये भी है और टूटता ज़्यादा है, क्योंकि हल्का सा भी ज़्यादा अगर मैंने प्रेशर डाल दिया ना तो इतना ज़्यादा पतला होता है ये 0.3 कि टूट जाएगा। वही 0.5 का जो मैं यूज़ करूँगा मैं, ये इतने ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ना, पतले होते हैं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा हेयर वगैरह बनाने जाऊँ ना, हल्के से थोड़ा भी प्रेशर दूँ तो टूट जाएगा, तो इतना पतला होता है ये। और वही जो 0.5 होते हैं उसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, इतना मोटा है जैसे ये वाला।
तो इसके अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग। अब कुछ कुछ जैसे आपने बताया ना हाइब्रिड आता है कि उसमें सब यूज़ कर लो, सारे जितने भी है ना सारे हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसमें। जैसे ये पॉइंट इसका बना हुआ है ऐसे ही, 0.5 भी जा सकता है, 0.3 भी जा सकता है इसमें, लेकिन उससे नेक्स्ट वाला जो होता है ना वो नहीं जा पाएगा इसमें, 0.7 नहीं जा पाएगा, थिकनेस एक्सेप्ट ही नहीं करेगा यहाँ पर। पेन इरेजर हेल्प होता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक वाला ना, इलेक्ट्रिक वाले का यूज़ हो करते हैं हम लोग, जैसे हेयर वगैरह पे उतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते। कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे आप देखो हाईलाइट ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे लिप्स पे है, ईयर्स के पास है, आई का जो डॉट है यहाँ पे है, क्योंकि क्या ना कि वो आपको कंट्रोल प्रेशर देना है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अपना एक ही कॉन्स्टेंट देगा आपको वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, फिर उसको कितना ऊपर रखना है कितना नीचे रखना है, दो तीन पेपर ख़राब करो, फिर उसके बाद से आपको कंट्रोल्स अच्छे आने लगेंगे, वो अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हम लोग घिसते भी हैं ना, तो वैसा आउटपुट नहीं आता हेयर वगैरह पे, उसमें भी पॉइंट्स आते हैं कुछ पतले कुछ मोटे, तो उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको ही यूज़ करना पड़ता है ये वाला। सर, ये वाले रेफरेंस का पहले वाले इंजेक्शंस का डिटेल ट्यूटोरियल आप कब भी देंगे? मैंने डाल दिया है, और वो जो पहले जो वो ओल्ड मैन का एक बनाया था ना, उसका सर उसका भी डाल दिया है। यूट्यूब पे है सर? नहीं अपने कोर्स में है, लेकिन वो 1 ईयर वाले में है। हाँ वो तो पता नहीं, आई विल बी हैप्पी। हाँ तो वो उसमें ये भी डाल दिए, कल ही मैंने सारे जितने भी पार्ट 4 पार्ट्स हैं ना वो मैंने उसमें डाल दिए। हाँ सर, उस कौन से लेसन पे है? अलग से ही लेसन मैंने बनाया उसका, ओल्ड मैन का और इसका जो पुष्पा का जो है वो अलग से ही लेसन बनाया। इसमें चार चार ट्यूटोरियल हैं, उसमें मुझे लगता है कि करीब 5 या 6 घंटे का इसका भी है और उसका भी ऑलमोस्ट 6 आवर्स का है ओल्ड मैन का, तो दोनों का। हाँ बिना किसी ब्लेंडर यूज किए बिल्कुल, तो वो कहाँ यूज करना चाहिए? वो जैसे कि हम लोग थोड़ा आर्टिस्टिक लुक दे होते हैं या फिर ओल्ड मैन का होता है जैसे कि ये रिंकल्स वगैरह ज़्यादा होते हैं ना, तो एकदम स्मूथ नहीं होता है, तो ब्लेंडिंग वहाँ पे कम हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर जैसे मैंने आउटलाइन मैंने यूज़ किया था ना, कैसे जब आउटलाइन में मैंने बनाया था ना, तो उस टाइम पे जब मैंने कुछ शेड्स किया था ना, जैसे मान लो कि जैसे फेस है हमारा, जैसे ये हमारा फेस है, जैसे मैंने आई बनाया, मैं सॉफ्ट ही यूज करता हूँ, टाइप जो हार्ड वाले होते हैं ना हार्ड का यूज नहीं करता मैं। बहुत जल्दी फट जाता है ब्लेंड करते हुए। हाँ लेकिन उसको सॉफ्ट हैंड से करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये यहाँ पे मैंने यूज किया है, इसको मैंने यहाँ पे यूज किया ना, लेकिन अब बड़े सरफेस पे पूरे फेस पे यूज करूँगा तो फटने लगेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ यूज करूँगा फिर इसको मैं यूज कर लूंगा, मैं दूसरे पे फटने लगेगा फिर। इतना इतना तो उसने प्रिविलेज दिया है कि आप उसको बदल बदल के हर जगह से यूज़ कीजिए यहाँ पे, और ये सबसे सॉफ्ट वाला मैंने यूज़ किया है। आप सोचो कि इससे मैंने पूरा ओल्ड मैन का जो फेस का है वो किया है, ठीक है। जैसे ये 0.2 चाहिए आपको ना, तो 0.2 आपको मिलेगा कैसे, आपने इस पे किया यहाँ पे, लेकिन आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया ना तो ये टूट जाएगा, तो इसको हल्के हैंड से करना है। अब मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए, तो फिर मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा इसको फोल्ड किया, फोल्ड करके एकदम टाइट होना चाहिए। अब ये हो गया ये अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग इसको यूज़ करते हैं ये वाला, ये भी काम करेगा, वैसे ही काम करेगा, उसको सॉफ्ट हैंड से करिएगा ना तो करेगा। हाँ इसमें इसको भी अगर आप कंट्रोल कीजिएगा ना तो होगा, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा ना, इसको इसमें लेयर जम जाता है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, जो सैंड पेपर होता है, हाँ सैंड पेपर से क्लीन कर करके फिर आप इसको आप कंट्रोल कीजिए, आप हल्के हल्के। इसमें कब है ना कि आपको एकदम डिटेल वर्क चाहिए, एकदम एकदम हल्के हल्के हैंड से इसको, सॉफ्ट सॉफ्ट हैंड से। आप देखते हो ना कि कोई ट्यूटोरियल आप देखते हो तो उसमें इतना फास्ट जाता है ना, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन बनता बहुत अच्छा है। तो उसमें उसमें क्या होता है ना कि
कि लोग ना काम ऐसे करते हैं, देखो इस तरीके से इसको ऐसे ऐसे, आप सोचो कि ये पूरा का पूरा A4 साइज़ है, ये सिर्फ एक पोर्शन में कर रहा हूँ मैं, तो इसको मैं ये पूरा करने में ना 1 घंटे लगे, ये हल्के से ब्लेंड कर करके, थोड़ा मैंने फिर पेंसिल को थोड़ा यूज़ किया, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क किया मैंने यहाँ पे, तब इसको मुझे ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्रश देखो, अभी स्किन वगैरह के लिए ना मैं तो बोलूँगा कि ये ब्लेंडर है या फिर आप टिश्यू पेपर है ना वो आप यूज़ कीजिए, और ब्रश का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जो आपको सटल करना होता है टोन्स को, या फिर हम पाउडर का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं ना सॉफ्ट स्किन चाहिए ना, तो सिर्फ और सिर्फ ब्रश से भी काम हो जाता है। हल्का सा कैसे किया था मैंने अभी यहाँ पे आपको, ये वाला एकदम स्मूथ, आपको कहीं पे भी डॉट्स दिख रहे हैं हल्के से भी नहीं दिख रहे, एकदम स्मूथ, जैसे नोज़ वगैरह पे अगर हमें चाहिए वैसे वैसे कर लेंगे, और जब हल्का सा टिप पे वाइट दे दिया तो उसको देख के उसको हाईलाइट जो होगा हाईलाइट भी दे दिया, और उसको फिर हम निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है ना इफेक्ट जो होता है ब्रश से बहुत अच्छा आता है, और टिश्यू पेपर में ऐसे डार्कनेस नहीं देता है, इसलिए नहीं देता है कि ये ऑब्जर्व कर लेता है, जितने सॉफ्ट होता है ना वो अपने पास और ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, उतना डार्कनेस देगा ही नहीं, कितना भी आप डार्क करो ये इफेक्ट जो होता है ना वो वहाँ पे डार्कनेस नहीं आएगा। हाँ एक्चुअली उसका उसी के लिए होता है यूज़, पेपर स्टैम्प और ये जो होते हैं ना ये इसके लिए ही ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि इसके कई सारे ग्रेड्स होते हैं। अब इसको इतना थिक है, अब मैं आई के पास तो मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं उसके लिए अलग से आपका ग्रेड है, उसके जो इतने पतले भी आते हैं ये है, इसको मैं अगर करूँगा मैं हल्के हल्के से तो ये जो होगा ये हल्का हल्का सा स्किन का टोन देना है, जैसे ये हल्के हल्के से डॉट्स होते हैं ना, तो ये काम ये जो करेगा वो मोटा वाला जो है ना वो नहीं कर पाएगा, जो हम टिश्यू पेपर से करते थे ना। अब इसको यहाँ पे हल्का सा ग्रेफाइट यूज़ करो, यहीं से पिक कर लो, और पिक करके हल्के हल्के से इसको, और ज़्यादा अगर करना है ना इसको यहाँ तक कर लो, जैसे मैंने सैंड पेपर से किया और पतला, ये थिक है तो इसको, और ये कब करना है जब, लेकिन एक लेयर बना चुके होंगे दो लेयर, तब उसके ऊपर से हल्के हल्के से आप देखते हो ना कि रिंग स्किन का जो जो हल्के हल्के से डॉट्स दिखते हैं ना वो, जब हमें बनाना है इस तरीके से पूरे स्किन पे ऐसे रहता है। फिर इसको हल्के से जब ब्लेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर की तरफ भी करते हैं, ये जो किनारे साइड होता है एक जो डेप्थ होता है ना वो डेप्थ यहाँ पे आ गया, फिर बाद में हम लोग अपना जो भी पेंसिल से यूज़ करना है और जो और ज़्यादा रियलिस्टिक आई बनाना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे डार्क किया, तो हम लोग इसको डार्क करके ना ऊपर ले जाते हैं, हो गया, और अंदर वाला ब्राइट रहता है। और ये जो नीचे का लेयर होता है ये बना लेते हैं, और इसके बाद ये शेड कर लेते हैं, मेरे आई को ना ऐसे नहीं बनाना है, मतलब ऐसे वाला, ऐसे आई में बन जाता है ना वो दिक्कत होती है। अभी क्या ना आप सर्कल बना लो, ऐसे चलेगा, सर्कुलर होना चाहिए, ये सर्कुलर होना चाहिए, फिर बाद में इरेज कर लो, ये बनाते हैं ना हम लोग जनरली आई वगैरह का। लेकिन अगर और ज़्यादा रियलिस्टिक करना है तो इसको कैसे करना है, ये बीच में ना डार्क रखना है, ये ऊपर में, ऊपर में रखना है डार्क,
और किनारे रखना है हल्का। और ये है ऐसे, सेंटर में डार्क कर दो। फिर इसको ब्लेंड कर देंगे इससे। और ऐसा हो जाने के बाद जब हम आई बनाते हैं और फिर ये अंदर की तरफ से हल्का सा डार्क, इसको ब्रश का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि बड़े सरफेस है ना। और यहाँ पे लाइंस दिखने लगते हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्म में फिर ऊपर लेके जाएंगे। इसमें ना ये तो एक तो नीचे ले जाना होता है या फिर ऊपर ले जाना होता है। ऊपर हम ले जाएंगे इसको, कुछ इस तरीके से ब्लेंड करना है। और एक जो ये वाला है इसको फिर डार्क करेंगे और इसको हल्का हल्का सा ऊपर वापस ले जाएंगे। और ये वाला क्यों होता है, ये वाला, ये भी रिम लाइट जैसे करते हैं ना हम लोग, वैसा ही होता है, रिम लाइट होता है क्योंकि जो वाइट पोर्शन होता है ये, इसका रिफ्लेक्ट होता है यहाँ पे ये वाला, तो उसको हम लोग देते हैं और ज़्यादा डिटेल करने के लिए। तो इसको हल्का सा, इसको अभी एकदम आई एकदम छोटा बनाए, जब थोड़ा बड़ा बनाएंगे ना तो और ज़्यादा आप लोग को डिटेल दिखेगा, क्योंकि इसमें जितना छोटा होगा ना डिटेल उतने कम दिखते हैं। ये करने के बाद ओवरऑल ब्रश,
ऐसे। अब ये इसका यूज़ कहाँ पे होता है? अब हम जो ये वाला बनाते हैं ना, कैसे बनाते हैं, यहाँ से इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, लेकिन अभी जो है ना एक्चुअल में यहाँ से ये वाला, और इसको मैं ऐसे दे रहा हूँ, इसको ऐसे दे रहा हूँ, ऐसे नहीं दे रहा हूँ, इसको ऐसे, ये ऊपर से टच है, यहाँ से आया है ये, और ये ऊपर जा रहा है, यहाँ से और यहाँ पे भी जो जाता है ना, यहाँ से रहता है जो ऐसे, ये से इसको ऐसे ले जाते हैं, यहाँ से ऐसे, उसके बाद आई। ये इसको बहुत ज़्यादा ब्लेंड ना करके, सिंपल, ये हल्का सा मैंने किया, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं किया है, इसमें डिटेल करने जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें आएगा डिटेल्स। तो ये कितना डेप्थ देना है, कितना रियलिस्टिक जाना है, वो हम पे डिपेंड करता है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ब्लेंड नहीं किया, एकदम हल्का सा, यहाँ पे जो डार्क रहते हैं ना, इसको हल्का सा, तो ये भी अभी हमारा हो गया कंप्लीट। फिर इसको सेटल कर देते हैं इसको यूज़ करके, ठीक है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? यहाँ पे और ज़्यादा, फिर इसमें थोड़ा, जब हम यहाँ पे ब्लेंड कर देते हैं ना,
ठीक है, तो इसका हाईलाइट करके फिर कुछ इस तरीके से दे देंगे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें कोई कन्फ्यूजन है और किसी चीज़ का कन्फ्यूजन? कंफ्यूजन में ये होता है कि कितना डार्क करना है। ज़्यादा कब होगा जब हमें एकदम ज़्यादा डार्क करना है? अगर हमारे एक लेवल तक डार्कनेस मिल गया तो उससे ज़्यादा डार्क तो होगा नहीं। अब कहीं पे डार्क है कहीं पे लाइट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाउडर यहाँ पे डालना पड़ेगा, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा कि वो उस लेवल का आ जाए। तो वहाँ पे अगर आप कहीं पे कम डालना है, कहीं पे कम कैसे डालना है, जैसे यहाँ पे, यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो डार्कनेस है यहाँ पे ज़्यादा है, तो मैं पाउडर यहाँ पे यूज़ करूँगा और धीरे धीरे जो, अब उसमें क्या है ना कि उसमें जैसे आ गया है, जब हम यूज़ करते करते टिश्यू पेपर जब यूज़ कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि ये घिसते घिसते ना इसमें आ जाता है। जैसे ये यूज़ किया मैंने, अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया तो डार्क तो हो गया, अब मुझे यहाँ पे लाइट रखना है, ये जो एरिया है मुझे लाइट रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग से पाउडर यूज़ नहीं करूँगा मैं, अब जो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको यूज़ करूँगा ना मैं। मतलब इसको पेंट ब्रश से नहीं करने का, टिश्यू पेपर से स्मचिंग करने का। नहीं, ब्रश ही आप यूज़ करो, ब्रश से भी यूज़ होता है ना अच्छे से। पैचेस इसलिए छोड़ता है कि हम लोग जब यूज़ करते हैं ना तो एक हर जगह गिरा देते हैं, तो आपको हर जगह नहीं उसको यूज़ करना है। जैसे मैं अभी प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ, मैं जैसे देखो यहाँ पे ही यूज़ करना है हम लोग को। तो जैसे ये ब्रश है, देखिए उसमें आप, आपको क्या करना पड़ेगा ना, वो वैसा जो वर्क होता है ना, थोड़ा आर्टिस्टिक वर्क होता है, उसमें आपको इंडिविजुअल वर्क करना पड़ता है, एक एक स्पॉट पकड़ के, एक एक एरिया को। जैसे आई को मैंने कंप्लीट किया, आई को करके फिर दूसरा आई कंप्लीट किया, फिर नोज़ कंप्लीट किया, जैसा मैंने ओल्ड एज में किया था, ओल्ड मैन का किया था ना, उसमें मैंने अलग अलग से किया था। इकट्ठे करने जाओगे तो हाइपर रियलिस्टिक के लिए तो थोड़ी दिक्कत आती है, और इसमें करोगे तो फिर आपको ज़्यादा इजी होता है कि एक एक पार्ट को कर लेते हो, क्योंकि आपको मैच करने के लिए होता है ना कि डार्कनेस हमें इस लेवल का ही मैच करना है। जैसे ये डार्कनेस है मुझे इस लेवल, यहाँ पे मुझे सेम करना है मुझे, तो वहाँ पे मुझे डार्कनेस जो है ना उसको हमें मैच करना होता है। और दूसरा ये कि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे चारकोल का या फिर तो ये है, अब जैसे हम लोग चारकोल पेंसिल का ही देख लो, जैसे ये है, अब इतने एरिए को मुझे ना किनारे से मुझे डार्क रखना है, तो मेरे पास पाउडर है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कुछ इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ये पोर्शन मैंने पकड़ा यहाँ पे, और जो एजेस होते हैं ना, जैसे ये फेस पे, तो एजेस को हमें पहले पेंसिल से ही करना होता है, ये सब जो एजेस हैं, फिर बाद में आप यहाँ पे पाउडर यूज़ करना है, यहाँ पे आपको पेंसिल से यूज़ करना है। तो इन सब पे आप ब्लेड यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये मैंने बड़े एरिया को नहीं, छोटे एरिया को टारगेट किया है। हम लोग पेंसिल से कैसे ब्लेंड करते हैं, वैसे ही अब इसमें बताना कहाँ पे डॉट्स आ रहे हैं। अब एक एक एरिया को पकड़ लिया मैंने, अब यहां से मैं हर जगह फैलाऊंगा इसको।
यहाँ पे अभी तक इतना दूर किया तो अभी तक तो आया नहीं है, इसको भी अगर आपको और ज़्यादा आगे तक लेके जाना है तो फिर मैं इसको ये अभी अभी इतना दूर किया है, वैसा ही सेम आपको इसको इतने इतने दूर में आपको करते हुए जाना है। तो आप टिश्यू पेपर से जब करेंगे ना हम लोग, अब इसको ही अगर मैं दोनों में बताता हूँ, ये यहाँ पे किया, अगर मैं टिश्यू पेपर से इसको करता हूँ तो फिर क्या दिक्कत आएगा। जितना पाउडर मैंने वहाँ पे गिराया था उसको ही यूज़ करूँगा मैं इतना दूर। और इसमें ना एक दिक्कत ये होती है ना टिश्यू पेपर में ना, कि ये तब फटने लगता है हल्का, ये एरिया इतना तक ख़त्म होते होते अब चेंज करना पड़ेगा, सॉफ्ट टिश्यू पेपर में होता है। बस इतना हम लोग इसको इतना ज़्यादा ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा फिर ये होने लगेगा। तो डार्कनेस में ना आपको देख रहे हो, ये डार्कनेस और ये डार्कनेस दोनों में फिर क्या करना पड़ेगा, फिर से वापस से करो, रिपीट करो। हाँ, आप अभी अगर आपने शायद नहीं देखा होगा तो ये हमारा नोज का पार्ट हो गया था, ये हमारा नोज का पार्ट है, और यहां पे जो स्किन था तो यहां पे मैंने डॉट किया था, ऐसे डॉट करके, हल्के हल्के डॉट करके फिर उसको थोड़ा ब्लेंड कर दिया, स्मूथ, थोड़ा ऐसे स्मूथ कर दिया, फिर उसको हल्के हल्के इरेजर लगाया था। लेकिन यहां वाला जो किया था ना, तो उसको क्या किया था मैंने, वैसे ही आप पेपर से कर सकते हैं, पेपर से भी ज़्यादा स्मूथ आपको होता है ये। इसको हाँ, तो ये इसका, हाँ इसको आप यहाँ से ही पिक कर लेना, जैसे यहाँ पे डार्कनेस है ना, तो हल्के जो डॉट्स है ना वो स्किन टोन का दे सकते हो, या फिर आप जैसे कि ब्लेंड करना होता है ना, तो आप इसको हल्के हल्के से आप इसको, ये तो क्या होता है ना कि अपना एक्सपेरिमेंट है, आप कितने तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हो, कहाँ तक किस लेवल तक आपको आउटपुट चाहिए, और उसके पहले R&D लेवल कितना है आपका, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन ये सब करने से अच्छा है ना, ये आपके पास कुछ नहीं है तो जब आपके पास पेपर स्टैम्प है ना तो आपको वो यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि आप पतली चीज़ें कोई दूसरा कुछ यूज़ कर लीजिए तो पेपर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? कि अब ये तो घिस जाएगा, इसके अंदर का जो हार्ड पोर्शन है वो स्पॉट अगर दे देगा ना, तो जितना भी शेडिंग करोगे आप तो उसमें स्पॉट दिखने लगेगा। पेपर स्टैम्प पे नहीं होता, क्योंकि वो पेपर होता है, सॉफ्ट होता है, कंप्रेस्ड पेपर होता है, लेकिन वो आपको यूज़ में आ जाएगा। और इसके लिए ही मैंने ये बताया था कि टिश्यू पेपर को ही यूज़ करना है, अगर ज़्यादा हार्ड तो इसको कर लो, ये ज़्यादा है, अच्छे से होगा ये, और ये अपना मार्क्स भी नहीं देता है इसको, उस केस में आपको इशू हो जाता है। जैसे अगर पेंसिल है ना, तो ये घिस गया तो ये पेंसिल आने लगेगा नीचे से ऊपर, फिर या कुछ भी अगर ऐसा कुछ हार्ड हो तो ये स्क्रैच करने लगेगा पेपर को, तो वो वहाँ पे ना वो दिक्कत हो जाती है। और क्या आप बता रहे थे? हाँ, और किसी का तो कुछ क्यूरी था? क्या था और क्या कोई कन्फ्यूजन था? आईब्रो का सबसे एक जो इजी टेक्निक है,
हाँ, आईब्रो के लिए मैं रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ कि आप मैकेनिकल पेंसिल से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। और यहाँ पे जैसे आई हम लोगों ने बना लिया, अब आईब्रो बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले ना एक बेस लेयर देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आईब्रो हम बनाते हैं ना, आईब्रो रहते हैं ना, तो पीछे हेयर बना लेते हैं हम। पहले हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि ये पेंसिल से ना इसको ऐसे बना लेते हैं, ये बना लेते हैं। अब इसमें शेडो कैसे बनाएंगे हम? हेयर तो बना लिया हम लोगों ने, हेयर का भी अपना शेडो होता है जो फेस पे गिरता है, लेकिन आईब्रोज के भी, हेयर के, इसके भी अपने शेडो होते हैं। लेकिन आप ये तो बना लिया हम लोगों ने हेयर, अब हम चाहते हैं कि इसमें ही आउटपुट लेके आ जाए, यहाँ पे दिक्कत होती है। अब शेडो इसका भी है, तो हम क्या करेंगे, एक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया ना, अब इसको क्या करेंगे, ब्लेंड कर लेंगे वो स्पॉट को, ये। तो ये क्या है, ये हम लोग का शेडो है उसका, ये हमें बनाना ही बनाना है, ये बना लिया। और ये ना ब्लेंड हो जाना चाहिए, अब स्किन के साथ इसको हम ब्लेंड करेंगे। जैसे अभी देखा जाए ना, तो इसको अभी और हमें इसको ब्लेंड करना है कुछ इस तरीके से। ये अब ये बन चुका है, तो अभी हम क्या करेंगे इसको, अब इसका फ्लो कैसा है, यहां तक आते आते ना, अब इसमें एक टेक्निकल चीजें होती हैं, यहां पे हल्का होता है, यहां पे डार्क होता है, यहां से हल्का जाएगा और यहां पे भी हल्का हो जाना है, ये होता है ऐसे। लेकिन आपको क्या करना है ना, ये मैंने क्या किया, यहाँ पे हल्का रखा, आपको कंट्रोल इतना ज़्यादा रखना है ना, ऐसे नहीं रखना कि यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे लाइट। अब आपको कंट्रोल कैसे करना है, यहाँ पे लाइट, डार्क और लाइट, ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आईब्रो बहुत हार्ड नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ बस कि आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा वो। और एक पहला लेयर जो है ना, वो हमें अब यहाँ से चेंज करना है, यहाँ से क्या चेंज करना है, अब ये डायरेक्ट होने लगेगा। सर पेपर थोड़ा सेंटर में लेके आइए, अभी ये जो बन रहा है ये पहला लेयर बन रहा है, अब यहाँ पे मैं इसको हल्के हल्के से सॉफ्ट हैंड से दे रहा हूँ, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना सेंटर में ये डार्क रहेगा, और ये जैसे जैसे जाएगा इसको मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अंदर ले रहा हूँ मैं इसको, और ये हल्के हल्के सॉफ्ट हैंड से थोड़ा नीचे, और किनारे किनारे ना सॉफ्ट हैंड से एकदम फर जैसा होता है ना, वो हमें छोड़ना होता है ऐसे। ये थोड़े से ना ज़्यादा मेकअप नहीं किया हो ना, तो हल्के हल्के दिखते हैं वो हेयर जो होते हैं ना। और यहाँ पे सबका एक इंडिविजुअल होता है, सेंटर पार्ट में ना थोड़ा हम डार्क रखते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं पे कोई हेयर जो एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ, ये सिंपल एकदम, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने एफर्ट नहीं डाला है। हाँ, जहाँ जहाँ पे, अब रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि रेफरेंस में कितना थिकनेस है,
तो बीच बीच में यहाँ पे ना हमें थोड़ा डार्क रखना पड़ता है सेंटर में। यस है। और यहाँ पे ना हल्का सा फिर हमें इसका भी शेडो यहाँ पे थोड़ा मेंटेन करके इसको यहाँ पे ब्लेंड कर देना है। ज़्यादा ब्रश नहीं, नहीं तो फिर क्या होता है ना, वो उसका जो स्ट्रोक्स होते हैं ना वो चले जाते हैं एक एक हेयर के जो हैं। और ज़्यादा कहीं कहीं डार्क दिखाना है ना तो फिर वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं, बीच बीच में हल्के से स्पेकुलर दिखाना होगा, या फिर आप वाइट चारकोल का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद हल्के हल्के इरेजर भी यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कहीं कहीं हल्के हल्के स्पॉट देना हो और वैसे करने के बाद फिर इसको हल्के से ब्लेंड कर देना। और फिर हल्के हल्के डॉट दे के फिर इसको क्लीन कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेफाइट यूज़ हुआ है तो हल्का सा तो रहता ही है। फिर इसको इस तरीके से, तो स्किन के जो डॉट्स होते हैं हल्के हल्के होते हैं ना वो भी आ जाएगा, जितना रियलिस्टिक देना है ना वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं। फिर ऊपर से इसका स्किन, और यहाँ पे ना हल्का सा ब्राइट पार्ट रहता है इसलिए मैंने यहाँ पे टच नहीं किया, क्योंकि अपना जो स्ट्रक्चर होता है ना फेस का वैसा ही रहता है कि यहाँ पे आईब्रोज का पार्ट थोड़ा ऊपर उठा होता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ होता है, तो कुछ इस तरीके से। फिर ये नोज, तो इसमें आईब्रोज अलग अलग तरीके के भी होते हैं, बच्चों के होते हैं तो उसमें शेडोज कम होते हैं, क्योंकि बिल्कुल कुछ इस तरीके से हल्के हल्के कहीं कहीं पे फर की तरह एकदम ऊपर की तरफ ऐसे रहता है। उसको भी थोड़ा सा हल्का सा एक दो बार ब्रश लगा के ऐसे फिर फेयर कर लो, जैसे कि एक लाइन है बस, इससे ज़्यादा उनका नहीं रहता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका रहता है ज़्यादा, ओल्ड एज में और भी कम होने लगता है, हल्के हल्के हो जाते हैं, उसमें भी शेडो कम होने लगते हैं क्योंकि उसमें हेयर की क्वांटिटी कम होने लगती है।